प्रिय विद्यार्थी, मैं सौंदर्य मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गार्डन द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं संस्कृत टीचर कक्षा दसवीं पंचमा पाठ कुटुम्बा नृत्य के रीति साधन यथायोग्य और भाषा सीखन समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पाठ का हिंदी अनुवाद एवं प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिक्त स्थान समझा रही हूँ। प्रश्न चौथा, प्रदत्त रिक्त स्थान पूर्यत, इसमें पांच शब्द दिए हैं, परिणामे पति प्रतिदि बलाबलम श्रेष्ठा प्रतिशमा पितृशमा। अब का देखिए, पति मात्र धर्मिणी खाली स्थान नाम, इसमें आएगा पति प्रतिदि। खा नंबर देखिए, ज्येष्ठा खाली स्थान खुले रूपे, इसमें आएगा श्रेष्ठा। प्रत्यम शरीरम में खाली स्थान जर्जरम, इसमें आएगा परिणामे। खा नंबर देखिए, ज्येष्ठो भ्राता, इसमें आएगा पितृशमः। इंग्या नंबर देखिए, खाली स्थान परिज्ञाय पुत्र मेघम विसर्जय, इसमें आएगा बलाबला। ये रिक्त स्थान हो गए आपकी सही जोड़ी यथा योग्यम योज्य। ये प्रश्न देखिए पांचवा, द्विज श्रेष्ठा, इसकी सही जोड़ी बनेगी वृद्धा से। पुरुषादः, इसमें आएगा घटोत्कचः। निर्वेद प्रत्यार्थनी, इसमें आएगा प्रार्थना। जर्जरम, इसमें आएगा शरीरम। ज्येष्ठा, इसमें आएगा पितृशमः। ये आपकी सही जोड़ी थी। इसके बाद आप देखिए, शुद्ध वाक्यनाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यनाम समक्षम नाम इति लिखा है। अब देखिए, सही के आगे आम लिखना है, सही वाक्य के आगे, और जो गलत वाक्य है उसके सामने आपको नाम लिखना है। घटोत्कचः जनन्या अव्याप्तः, ये आपका सही रहेगा आम लिखना है। किम हम ब्राह्मणा इति प्रथमा पुत्र कथयति, ये ना रहेगा। कनमर देखिए, कुले लोके चा अनुजा श्रेष्ठ भवति, ये आपका ना रहेगा। ज्येष्ठो भ्राता पितृशमः इति ब्रह्मवादिभिः कथिता, ये आपका आम रहेगा। इंग्या देखिए, ब्राह्मणी पति मात्र धर्मणी आसीत, ये आम रहेगा। फिर से मिला लीजिए, का नंबर आम रहेगा, खा नंबर ना रहेगा, ग नंबर ना रहेगा, घा नंबर आम रहेगा और पांचवा भी आम रहेगा। इसके बाद अधो लिखित शब्द का नाम मूल शब्द विभक्ति वचनम चलकर, आपको शब्द दिए हुए हैं, मूल शब्द बताना है, विभक्ति बताना है और एक ये वचन बताना है कि कौन सा वचन है। अब देखिए, का नंबर गुरु नाम, इसका मूल शब्द होगा गुरु। विभक्ति ये षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन में आता है। आप कारक रचना पढ़ते हैं, मैंने आपको समझाया था नाम नामेशी, ये सप्तमी षष्ठी और सप्तमी के ये हर कारक रचना में आते हैं। तया मूल शब्द इसका तद लगेगा, ताकि नीचे अलंत लगेगा। ये तृतीय विभक्ति और एक वचन का शब्द। पतन्या, इसका मूल शब्द पत्नी है, तृतीय विभक्ति में आएगा और एक वचन में आएगा। भवंतम, भवत, ताकि नीचे अनंत आएगा, ये मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। पितृणाम, पित्र ये मूल शब्द है आपका, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का शब्द है। अब ये मैंने आपको मूल शब्द विभक्ति वचन ये आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर आठ आप चलिए, निम्नलिखित क्रिया पदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, आपको क्रियापद दिए हुए हैं जिसमें आपको धातु लकार पुरुष एवं वचन बताना है। या श्यामी, इसमें धातु या आएगी, लकार लड़ लकार आएगा, ला के नीचे रहेगी रागी, लड़ लकार
से हलन, लट लगा मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। होश यानी मैं हूं, छुटों की मात्रा लगेगी हाँ मैं हूं, धातु है, रड़ लगाव है, उत्तम पुरुष है और एक वचन का शब्द है। गमिष यानी गम धातु है, माँ के नीचे हलंत रहेगा, रड़ लगाव है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। इच्छामी इस षटकोण का सा आएगा, इस सा के नीचे हलंत रहेगा, लट लगाव है, उत्तम पुरुष है और एक वचन का ये शब्द है। आया समझ में? प्रश्न आठ में मैंने आपको करवा दिया, प्रश्न नौवे पर चलिए। उदाहरण अनुसार पदानाम धातु प्रत्यय जा पृथक रूप, धातु से प्रत्यय अलग करना है, भाषा अनुशीलन के लिए व्याकरण देखिए। जैसे दिया है कथिता, कथ धन कथ बराबर कथिता, तो शब्द है दत्वा, तो लिखेंगे दा, दा धातु है और प्रत्यय है कत्वा, दा धन कत्वा बराबर दत्वा। परिज्ञा इसमें उपसर्ग आगे जुड़ा है परि, तो लिखेंगे परि धन ज्ञा धन ल्या, परि धन ज्ञा धन ल्या। कर्तुम क्रय धातु है और इसमें तुमन प्रत्यय है। आने तव्या, अब इसमें देखिए टी धन तव्यत, टी धन तव्यत, तेरे नी धन तव्यत आएगा, आने तव्या है तो नी धन तव्यत। ये हो गए एक और रहा है आपका चंद्रमा प्रति ग्रह, ग्रह धातु है और लेव प्रत्यय है और प्रति इसमें उपसर्ग जुड़ा है, लेव प्रत्यय उसी में आता है जिसमें पहले से उपसर्ग जुड़ा होता है, तो प्रतिधन ग्रह धन लेव ऐसा लिखेंगे आप। अब प्रश्न नंबर दसवा देखिए, अधो लिखित पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत, पद जो दिया है समास विग्रह करके आपको नाम बताना है कौन से समास का ये शब्द है। ज्येष्ठ पुत्र जयेष्ठ पुत्र असव, जयेष्ठ पुत्र असव कर्मधारय समास का उदाहरण है। आप ब्रह्मण ना ब्रह्मण आएगा इसमें, आप ब्रह्मण ना ब्रह्मण नंज तत्पुरुष समास है जो बहुत कम पढ़ा जाता है पर है। द्विजेशु श्रेष्ठा सप्तमी तत्पुरुष है, द्विजेशु अभी मैंने विभक्ति समझाते समय आपको बताया था युणाम और सु जिसमें आता है वो बहुवचन और छठवी सप्तमी विभक्ति के शब्द सु वाला सप्तमी का रहता है, तो आया द्विजेशु श्रेष्ठा सप्तमी तत्पुरुष। कृत प्रत्यम कृतम प्रत्यम ये सा ये बहुव्रीहि समास का शब्द है। प्राण रक्षणम प्राणानाम रक्षणम षष्ठी तत्पुरुष, एक बार और समझ लीजिए, ज्येष्ठ पुत्र में कर्मधारय समास, अब्रह्मण में नंज तत्पुरुष समास, द्विज श्रेष्ठ में सप्तमी तत्पुरुष, कृत कृत्यम में बहुव्रीहि समास, प्राण रक्षणम में बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष आएगा। ये मैंने आपको समास भी बता दिए, भाषा अनुशीलन भी बता दिया, यथायोग्यम भी, रिक्ति स्थानी भी, पाठ का अनुवाद भी समझा दिया, प्रश्नों के उत्तर भी समझा दिया। अपना ये पूरा पाठ समाप्त हो गया। आपको जो समझ में नहीं आता आप वीडियो खोलकर देख सकते हैं। धन्यवाद।